दोस्तों अभी अभी आईटीआई के छात्रों के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यानी कि इसरो के द्वारा भारी मात्रा में आईटीआई के छात्रों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ऑल ट्रेड के छात्र इसमें एलिजिबल हैं। जो छात्र आईटीआई पास हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है और क्या इसमें क्राइटेरिया होने वाला है। जो छात्र आईटीआई पास किए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर हर रोज अपडेट की जाती है। और वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि सभी आईटीआई के छात्रों तक यह वीडियो जा सके। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर आज का डेट दिया हुआ है 1/8/2023, यानी कि अभी अभी इसरो ने लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों तो चलिए फुल डिटेल के बारे में हम जानते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो पहला यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है आपका यहाँ पर टेक्नीशियन फिटर के लिए टोटल यहाँ पर 4 सीटें हैं। दोस्तों जो छात्र आईटीआई पास है फिटर से वह छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसमें जो आपका वैकेंसी निकाला गया है इसरो में ग्रुप सी का वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पर जो दूसरा वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन मशीनिस्ट का है, ठीक है। इसमें टोटल आपका 1 सीटें हैं। जो छात्र 10+ मशीनिस्ट से आईटीआई किए हुए हैं वही छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। तीसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का, टोटल इसमें जो है 15 सीटें हैं। जो छात्र आईटीआई पास किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से वह छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। अगला यहाँ पर जो दिया गया है आपका दोस्तों टेक्नीशियन बी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें आपका टोटल 5 सीटें हैं। इसमें आपका यहाँ पर दिया गया है ट्रेड, 5वें नंबर पर है यहाँ पर टेक्नीशियन बी का ICTESM, यानी कि इसमें जो टोटल सीटें हैं 5 सीटें हैं। यह आपका सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जो छात्र हैं इसमें अप्लाई करेंगे। अगला जो है यहाँ पर 6वें नंबर पर इलेक्ट्रीशियन का है, इसमें आपका 1 सीट है। इलेक्ट्रीशियन में जो छात्र आईटीआई पास किए हैं वह इसमें अप्लाई करेंगे अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो। 7वें नंबर पर है यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन का, इसमें आपका 1 सीट है। अगला है 8वें नंबर पर यहाँ पर टेक्नीशियन केमिकल, इसमें आपका जो सीट है 1 है। 9वें नंबर पर है यहाँ पर टेक्नीशियन टर्नर, यानी कि आप इसमें 10+ आईटीआई टर्नर ट्रेड से हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें भी 1 सीट है। अगला है यहाँ पर आरएसी का, जो छात्र आईटीआई किए हुए हैं आरएसी से वह छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें भी सीट आपका टोटल 1 है। तो ये रहा आपका टोटल सीटों की संख्या। आप इसमें अपने ट्रेड का कुल सीट देख सकते हैं कितना है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप आईटीआई पास हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो छात्र इसरो का एग्जाम देंगे उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा हर एक ट्रेड का क्वेश्चन पेपर का, तो वह आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो आयु सीमा है दोस्तों तो टोटल इसमें जो आयु सीमा है आपका 18 से 35 वर्ष तक, यानी कि सभी छात्र इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एज का इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। इसका मैं अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पर टोटल मार्क्स यानी कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिखित परीक्षा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट ये दोनों आपका इसरो में हमेशा होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको डेट मिल जाएगा। यहाँ पर जो डेट इशू किया गया है 1/8/2023, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपका जो है लास्ट डेट 21/8/2023, यानी कि 21 दिनों का टाइम दिया गया है, इसके अंतर्गत आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लास्ट डेट आपका 21 है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए और आप फॉर्म भरते रह जाए, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल देखने को मिल जाएगा, फोटो हस्ताक्षर और दस्तावेज, है ना, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो ये रहा नोटिफिकेशन, आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। साथ ही एग्जाम की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा।